मुझे एक दिन भी डिले अगर हो गया तो मैं फांसी टांगूंगा, तो मैं फांसी टांगूंगा। सुना आपने, ग्वालियर के कलेक्टर अधिकारियों को फांसी पर लटकाने की कह रहे हैं। इनका नाम है कौशलेंद्र विक्रम सिंह। अब कलेक्टर साहब की नाराजगी सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है, तो चलिए हम आपको कलेक्टर महोदय की नाराजगी की वजह से रूबरू करा देते हैं और बता देते हैं कि आखिर क्यों कौशलेंद्र विक्रम सिंह फांसी टांगने की बात कर रहे हैं। दरअसल ग्वालियर कलेक्टर मंगलवार को तहसील भीतरवार के स्वास्थ्य केंद्र पर अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से टीकाकरण की जानकारी ली तो उन्हें पता चला कि तहसील में बीते 4 दिन से टीकाकरण शिविर का आयोजन नहीं किया गया है। इस बात को सुनकर वो आग बबूला हो उठे और मौके पर मौजूद अधिकारियों की क्लास लगाने लगे, लेकिन इस दौरान उन्होंने फांसी टांग दूंगा कह दिया। अरे आज कितनी तारीख 14 तारीख, क्यों 4 दिन बीत गए? शिविर नहीं लगा था तो आपने एसडीएम को फोन किया? आपने एसडीएम क्या धरना दिया? मेरे को कोई मतलब नहीं, मुझे एक दिन भी डिले अगर हो गया तो मैं फांसी टांगूंगा। मुझे एक टीका छूट गया, खेत में लगाओ, घर में लगाओ, आदमी के पैर में लोटे रहो, नहीं लगवा रहा उसके घर में बैठे रहो, 24 घंटे उसके घर में हाथ जोड़ के प्रार्थना करते रहो, आई डोंट बॉदर, मुझे पूरे के पूरे टीके चाहिए। अब मुझे बताइए 153 जो ऑनलाइन दिख रहे हैं ये क्या, 95 के अलावा इस सूची से मैच किया जो एक्स्ट्रा नाम दिख रहे हैं उनका क्या? ऑनलाइन हुए नहीं है मेरे को, या तो मत बोलो 153-95 कितना हुआ, कितने एक्स्ट्रा बचे? 58। उन 58 पे वर्क कर लिया? कर लिया। क्या हुआ? 21 तारीख से लगा ली ये सूची है। क्या 21 दिसंबर से सर रखा? 21 ने बता दिया सूची भरी सर, डेट भरी। तुमने इनको ये सूची दी 153 की बैठी? ये नंबरों को मुझे पहले बताओ, 153 की सूची इनको दी? मुझे आपकी बात सुननी है, I will not ask him। मुझे 153 की सूची दिखाओ जो ये ऑनलाइन निकली है, सूची दिखाओ रोड की 153 की सूची। मुझे उससे नहीं मतलब है यार, तुम फिर दूसरी बात करने लगे, इसको वैक्सीन लगी इसको नहीं लगी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे मेरी सूची पे बात करनी, मेरे लिए केवल यही टारगेट है, दूसरा कुछ टारगेट। वायरल वीडियो पर जब हमने कौशलेंद्र विक्रम सिंह से बात की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि उनका वीडियो सही है और बोले कि जब लोग काम नहीं करते तो ऐसा बोलना पड़ता है। बहरहाल सोशल मीडिया पर कौशलेंद्र सिंह की धमकी जमकर सुर्खियां बटोर रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कोविड टीकाकरण के मामले में लगातार आगे चल रहा है। MP सरकार का दावा था कि कोविड टीकाकरण सबसे तेज और ज्यादा MP में ही हुआ था।